मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और वैश्विक मंचों पर प्रदेश की शक्ति एवं सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार हर गांव में खेल मैदान, विकास खंड स्तर पर स्टेडियम, बड़ी संख्या में स्पोर्ट्स कॉलेज बनवाने तथा बड़े पैमाने पर खेल सुविधाओं को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रही है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में हमारे खिलाड़ियों का योगदान भी सुनिश्चित हो। सीएम योगी शारदीय नवरात्र के प्रतिपदा पर सोमवार को जंगल कौड़िया के ऋषुलपुर चकिया में 10 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से बने महंत अवैधनाथ महाराज स्टेडियम और महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय में 5 करोड़ 80 लाख रुपए से निर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। नवनिर्मित स्टेडियम परिसर में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालय और स्टेडियम विकास के कई आयामों समेत राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़ने और खेलों को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। नवरात्र के पहले दिन सभी नागरिकों के जीवन में मंगल की प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा कि शैलपुत्री की आराधना के पावन अवसर पर इस स्टेडियम का लोकार्पण शक्ति व सामर्थ्य के प्रति श्रद्धा निवेदित करने का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की भाजपा सरकार बिना भेदभाव समाज के हर तबके को शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से जनसेवा के विभिन्न आयामों को लेते हुए सेवा पखवाड़ा शुरू किया गया है। इसी क्रम में 25 सितंबर को अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई और यह सेवा पखवाड़ा महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। उन्होंने कहा कि आज यहाँ के समारोह में 700 दिव्यांगजन को उनके लिए जरूरी उपकरण दिए गए हैं। यह समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति और वंचितों के उत्थान की सोच रखने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुदृढ़ हुए कानून व्यवस्था से आज देश दुनिया के हर निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश को इच्छुक हैं। पूरे प्रदेश में विकास की नई कहानी दिखती है, जबकि 7-8 साल पहले यहां उद्योगों के बंद होने की स्थिति थी। पीएम मोदी के विजन व उनके नेतृत्व में आज स्थिति बदल चुकी है। गोरखपुर में खाद कारखाना उज्ज्वल भविष्य की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है। एम्स पूर्वी उत्तर प्रदेश के चिकित्सा सेवा का नया केंद्र बना है। जंगल कौड़िया, सहजनवा बाईपास और गोरखपुर सोनौली 6 लेन के प्रोजेक्ट विकास के नए मॉडल हैं। उन्होंने कहा कि 1993-94 में जब वह पहली बार जंगल कौड़िया क्षेत्र में आए थे तो सड़कें नहीं थी, बरसात में लोगों का बुरा हाल होता था। आज गांव-गांव पक्की सड़कों 2 लेन की श्रृंखला दिखती है। पिछली नवरात्र में मुख्यमंत्री ने महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया था। महाविद्यालय के साल भर की प्रगति की उन्होंने मुक्त कंठ से सराहना की। उन्होंने कहा कि एक साल में यहां विद्यार्थियों की संख्या 1400 हो गई है। यह इस बात का प्रमाण है कि किसी शिक्षण संस्थान के खोलने का क्या लाभ होता है। यहां मोहरीपुर से लेकर मिर्चाइन टोला, कैंपियरगंज और यहां तक कि महाराजगंज जिले की बालिकाएं पढ़ने आ रही हैं। सीएम योगी ने आश्वस्त किया कि वह इस महाविद्यालय की सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करेंगे। सीएम योगी ने जंगल कौड़िया को अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का प्रिय क्षेत्र बताते हुए कहा कि 4 बार गोरखपुर के सांसद और 5 बार तत्कालीन मानीराम विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे ब्रह्मलीन महंत जी ने इस क्षेत्र के लोगों की सेवा की और उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के मंच पर नई पहचान के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसमें युवाओं की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। इस भागीदारी को मजबूत करने के लिए स्मार्ट युवा आज की आवश्यकता है। युवाओं को स्मार्ट बनाने के लिए सरकार उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जा रही है। इस सिलसिले में प्रदेश में 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन उपलब्ध कराने के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, UPSC, NDA जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए युवाओं को कहीं बाहर ना जाना पड़े, इसके लिए फिजिकली और वर्चुअली अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से अपील की कि वह कॉलेज टाइम के बाद यहां भी विद्यार्थियों को अभ्युदय कोचिंग की सुविधा दें, ताकि यहां के छात्रों का कोर्स पूरा होने के साथ उनका बेहतरीन समायोजन भी हो सके।
सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में बदलते दौर में युवाओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ खुद को जोड़ते हुए समय के अनुरूप आगे बढ़ना होगा। युवाओं के समय अनुरूप मार्गदर्शन की जिम्मेदारी कॉलेजों को भी उठानी होगी। उन्होंने कहा कि नागपंचमी पर जंगल कौड़िया में कुश्ती प्रतियोगिताएं होती हैं। अब आने वाले समय में महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय इस तरह की प्रतियोगिताओं को कराए। पहलवान यहाँ के मैट का उपयोग करें, इससे आम जन का भी कॉलेज और स्टेडियम से जुड़ाव बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने रसूलपुर चकिया में महाविद्यालय एवं स्टेडियम बनाने के लिए 10 एकड़ जमीन देने के लिए प्रधान एवं ग्रामीणों के प्रति आभार व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि यहां खेलों के लिए अच्छे कोच की व्यवस्था कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने यह इच्छा भी जताई कि विधायक खेलकूद प्रतियोगिता का फाइनल इसी स्टेडियम में आयोजित हो। लोकार्पण समारोह के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को अपने अपने गाँव को स्वच्छ और सुंदर रखने का संकल्प दिलाया। उन्होंने नवरात्र के पावन पर्व को स्वच्छता से जोड़ने की अपील करते हुए कहा कि मां भगवती की अनुकंपा तभी प्राप्त होती है जब स्वच्छता का वास होता है। सभी लोग संकल्प ले कि गांव की पगडंडियों, नालियों, सड़कों पर गंदगी नहीं फैलाएंगे, खुले में शौच नहीं करेंगे, गांव में साप्ताहिक सामूहिक श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाएंगे। सीएम ने कहा कि स्वच्छता होगी तो बीमारी से बचेंगे और बीमारी पर खर्च होने वाला पैसा विकास स्वावलंबन को बढ़ावा देने पर खर्च होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर का रामगढ़ताल विकास का नया मॉडल है। गांव के तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित कर उन्हें रामगढ़ताल की तरह सुंदर और आकर्षक बनाया जा सकता है। इससे रामगढ़ताल की तरह गांव के तालाब भी फिल्मों की शूटिंग का केंद्र बन सकते हैं। उन्होंने कला का सम्मान करने, कलाकारों को प्रोत्साहित करने तथा शांति के साथ पर्व मनाने की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल विकास परियोजना के स्टॉल पर जाकर 3 गर्भवती महिलाओं को पोषण टोकरी देकर गोद भराई की, साथ ही 3 शिशुओं को दुलार कर उनका अन्नप्राशन कराया। स्वस्थ बालक बालिका प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट 3 बच्चों को उपहार प्रदान किया। सीएम ने इस दौरान दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, संकेत मूक बधिर विद्यालय तथा समाज कल्याण विभाग के स्टॉलों का अवलोकन कर बच्चों से मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। लोकार्पण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से 4 दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को स्मार्ट केन व स्मार्टफोन का उपहार प्रदान किया। इस अवसर पर 700 दिव्यांगजन को उनके सामान्य जीवन यापन के लिए उपयोगी संसाधन उपकरण प्रदान किए गए। 100 दिव्यांगजन को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, 50 को ट्राईसाइकिल, 50 को व्हीलचेयर, 200 को स्मार्ट केन, 100 को हियरिंग एड्स कान की मशीन, 50 को MR किट, 50 को लैम्प्रोसी किट तथा 100 को कृत्रिम अंग हाथ पैर कैलिपर्स आदि वितरित किए गए। मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल व व्हीलचेयर वितरण की रैली को सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाई। मंच पर आकर उन्होंने पीएम आवास योजना, आयुष्मान योजना, कृषि एवं उद्यान विभाग की योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और पीएम स्वनिधि योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देकर लाभान्वित किया। स्टेडियम व प्रेक्षागृह का लोकार्पण करने से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। साथ ही महाविद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपने संकल्प को दोहराते हुए पौधारोपण किया। महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय में स्थापित प्रतिमा का लोकार्पण पिछले नवरात्र में सीएम योगी ने ही किया था। सीएम योगी ने प्रेक्षागृह एवं स्टेडियम के पेवेलियन का फीता काटकर लोकार्पण करने के साथ ही प्रेक्षागृह के अंदर जाकर वहां की सुविधाओं का तथा पेवेलियन के ऊपर जाकर स्टेडियम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पेवेलियन में बैठे छात्र छात्राओं के बीच जाकर उनसे मुलाकात की, ग्रुप फोटो खिंचवाई, उनसे आत्मीय संवाद कर उन्हें पढ़ाई के साथ खेलकूद की गतिविधियों में भी भाग लेने को प्रेरित किया। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि सीएम योगी पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों को मजबूत कर रहे हैं। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम की इतनी बड़ी सौगात देकर खेल प्रतिभाओं के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने की संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त किया है।
विकास कार्यों को गिनाते हुए सांसद श्री शुक्ल ने जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जो स्टेडियम एम्स आयुष विश्वविद्यालय बना दे, हर गरीब का कल्याण करे, उसे पूज्य योगी आदित्यनाथ कहते हैं, तथा जॉन कब्बो ना रहल अब्बा यूपी में सब्बा का स्लोगन देकर जनता में जोश का संचार कर दिया। कैंपियरगंज के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों से जनता में अपार उल्लास है। कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय स्टेडियम की सौगात देने के साथ ही मुख्यमंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों व जरूरी सुविधाओं की छड़ी लगा दी। इस अवसर पर भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ल, पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह, पासगांव के विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान, MLC ध्रुव त्रिपाठी, अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल, खेल निदेशक RP सिंह, उत्तर प्रदेश मत्स्य विकास निगम के अध्यक्ष रामाकांत निषाद, भाजपा के जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख जंगल कौड़िया ब्रजेश यादव, ब्लॉक प्रमुख कैंपियरगंज अश्विनी जायसवाल, नगर पंचायत पीपीगंज के चेयरमैन गंगा प्रसाद जायसवाल आदि भी मौजूद रहे। Oh!
हाँ बच्चे का भी मुँह आया इससे तो दुकानदारी भी चल सकती है। चलाओगे ना हट जाओ भाई सामने से निकले निकले पीछे 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 चलो 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 Yeah.
फिर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी करें और उसी दिशा में महान गुरु गोरखनाथ जी की स्तपोभूमि पर ब्रह्मलीन महान गोरखनाथ जी की जन्मभूमि रही राप्ती और रोहिणी के द्वारा के इस परिक्षेत्र में एक शिक्षण संस्थान की आवश्यकता समझी गई, ऑडिटोरियम की बात समझी गई थी। आदरणीय हम सब के ब्रह्मलीन महाकावेदनाथ जी इस विधानसभा इस मानी राम क्षेत्र इस जंगल कौड़िया से 5 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं और उनके कार्य आज भी लोग गांव में चर्चा करते हैं, उनके विकास के जो कार्य किए गए। मित्रों, मुख्यमंत्री जी ने दिए कालेश्वर से लेकर के जंगल कौड़िया तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कार्य हो, गोरखपुर सोनौनी मार्ग के चौड़ीकरण का मामला हो, उसी प्रकार से कैंपियरगंज से मछली गांव की सड़कों के चौड़ीकरण का हो, जसवंत बाजार से लेकर के पीपीगंज तक सड़क को जोड़ने की बात हो, नई टाउन एरिया सृजित करने का काम जो कैंपियरगंज विधानसभा में कैंपियरगंज को टाउन एरिया देने का अगर कार्य किसी ने किया तो उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री परमपुर योगी आदित्यनाथ। हमनी के महाराज जी, हम सबके अभिभावक, हम सबके बड़ भाई, हम सबके संत, हम सबके हिंदू राष्ट्र ध्वज को आगे लेके जाने वाले से महाराज जी खातिर को गड़गड़ा के ताली होके के चाहिए। नमः पार्वती पते हर हर। इतना दिव्यांग बच्चा लोग सब आया है, सब लोगों को बहुत प्यार से इशारे में, जो इन लोग इशारा का भाषा समझा है, तो यादव जी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार खेल युवा कल्याण ग्रामीण मजबूत होगा देश मजबूत होगा। आज ओलंपियंस में आज ओलंपिक आप लोग देख रहे हैं सबके पास डिजिटल मोबाइल बा कि हमनी के गांव देहात का लड़का समस्त भारत से उत्तर प्रदेश से कांस्य ले आ रहे हैं, ब्रॉन्ज ले आ रहे हैं, गोल्ड मेडल ले आ रहे हैं। ये कभी नहीं हुआ जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच, पूज्य महाराज जी की उत्तर प्रदेश में सोच कि मेरे देश के मेरे प्रदेश के बच्चे विदेशों में जाए ओलंपियंस खेले। अगर वो अमेरिकन बच्चों के साथ लड़ रहा है या वो लंदन के बच्चों के साथ कुश्ती लड़ रहा है या वो यूरोपियन बच्चों के साथ लड़ रहे हैं तो कहीं कमी ना हो, तो कमी ना हो वो खाती एक बढ़िया स्टेडियम चाहिए, बढ़िया मैट चाहिए, अगर कुश्ती खेलना रनिंग पैड चाहिए जैसे माननीय विधायक जी बता रहे थे। तो जितना माई बाबू बच्चा लोग यहाँ आए हैं, जितने स्पोर्ट्स पर्सन है, जितने यंग युवा, आप ही लोग नया भारत हो, जो हमारे पूज्य महाराज जी कहते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, नया भारत क्या, तो ये जानना बहुत जरूरी है। नया भारत जो शक्तिशाली है, नया भारत क्योंकि 65% युवा है इस भारत और मजबूत है। आज ग्रामीण में इतना बड़ा सौगात महाराज जी करोड़ों रुपए का लागत से लगा दिए, ये किसी दिल्ली और मुंबई या मैं भी विदेश से आया कहीं ऐसे स्टेडियम में कोई ऐसी कमी नहीं। अभी ऑडिटोरियम भी देखा, बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट देखा, ये रनिंग पैड है एवरीथिंग। अब आप लोगों के क्या करेंगे बाबू, अब आप लोगों के इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों को सेहतमंद होके महाराज जी को सौगात दे देना। लोग कहते हैं नहीं शहर में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, हमके यहाँ से बहुत चिट्ठी आवत रहे हमेशा कि हरो एक स्पोर्ट्स हो जाए, ये हरो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन जाए, यहाँ के भी बच्चे खातिर, ग्रामीण देहात के लड़का लोग, गरीब बच्चा लोग खातिर का हुई, तो महाराज जी सुन ले। महाराज जी की नजर हर जगह रहती है, हर कोने में रहती है, हर व्यक्ति पे रहती है। अंतर्यामी बाड़न संत बाड़न, निस्वार्थ त्यागी है महाराज जी। मार शूटिंग चलाता जितना हीरो हीरोइन लोगन के हम लोगन के टीवी पे देखत रहला, बोली हर घूमत आड़न बोली हर घूमत आड़न, जेकरा के देखे खातिर टिकट लगावत रहला, काहे कि गोरखपुर सुंदर हो गई बा, जहां कैमरा रखा हुआ हर शूटिंग। हाँ आवत है वो, अब रहा वहां में जाओ, चुनाव बाद तो हर क्षेत्र में जाए शूटिंग करा, सब लोगों से भेंट भाट भी हुई, सब लोग चाह रहा था कि हमको मिले, अब एक एक गांव एक एक घर जाए तो मुश्किल रहा था,
शूटिंग के बहाने ऐसा जगह कर सब लोग आके हमके मिली तो ये महाराज जी हमारे बहन का शूटिंग कर सब लोग से भेटो हो गई चला बहुत अच्छा लगा तब यह कहा हम कि जली को आग कहते हैं यह डायलॉग हम बोले महाराज जी का चुनाव एकदम बमबमा गई कि जे कबो न रहल वाप्पा यूपी में जली को आग कहते हैं बुद्धि को राग कहते हैं और जे स्टेडियम बना दे जे एम्स बना दे जे आयुष विद्यालय बना दे जे गरीब माई बहन बच्चा लोग खातिर हमेशा निरंतर सोच जी महोदय एक बार कमलों से सर्टिफिकेट को प्राप्त करेंगे तो आप सभी श्री चंदन पासवान जी से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुए तत्पश्चात कृषि विभाग योजना के लाभार्थी श्री रवि श्री जयप्रकाश गुप्ता जी हम आमंत्रित करेंगे श्री जयप्रकाश गुप्ता जी को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ओम प्रकाश सिंह जी को आमंत्रित करेंगे हम गंगा सिंह जी इसके पश्चात श्रीमती उर्मिला जी को श्री राजेश जी एवं शाह फैजल जी को या मंच पर आए श्री घनश्याम जी तत्पश्चात हम आमंत्रित पार्टी में श्री रणवीर सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में सोनी देवी जी एवं निशा देवी जी सात स्मार्ट गेम के लिए श्री द्वारिका गुप्ता जी मोबाइल फोन में उनके भविष्य के लिए स्मार्ट गेम एवं स्मार्टफोन और स्मार्ट गेम को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए लोकार्पण करें तालियों के साथ आज के इस शुभ अवसर पर यह प्रेम सौगात माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से जनमानस को माननीय मुख्यमंत्री महोदय सौंप देते हुए यक्षण अभिभूत करने के लिए हम सभी के लिए आश्वस्त है नवरात्रि का पहला दिन है जगत चंडी माँ भगवती
आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे इसकी प्रार्थना करते हुए जंगम बोड़िया विकास खंड का और गोरखपुर का पहला ग्रामीण स्टेडियम को लोकार्पित करते मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं एक वर्ष पहले पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की स्मृति में इस महाविद्यालय का लोकार्पण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया था और एक वर्ष के अंदर ही इस महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी हुई है 1400 बच्चे वर्तमान में इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। महाविद्यालय की प्रगति दिखाती है। मैं भी यहाँ महाविद्यालय के स्टेडियम के पेवेलियन में जो बालिकाएं पढ़ रही थी मैं देख रहा था मोहरीपुर से लेकर के मिर्चाई टोला से लेकर के और कैंपियर गंज तक की बच्चियां यहां पढ़ रही थी। इतनी बड़ी संख्या में पूरे जंगल कौड़िया ब्लॉक से चरनावा ब्लॉक से गोरखपुर महानगर से कैंपियर गंज विकास खंड से और कुछ महाराजगंज से भी बालिकाएं यहां पढ़ रही है, बालक भी पढ़ रहे हैं। एक शिक्षण संस्थान अच्छा संस्थान खड़ा होने का लाभ क्या मिलता है वह आज महंत अवैद्यनाथ महाविद्यालय के माध्यम से यहाँ पर चल रही शिक्षण प्रशिक्षण की गतिविधियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। मैं इसके लिए महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूँ और महाविद्यालय ने एक वर्ष में जो प्रगति की है यह प्रगति निरंतर बनी रहे इसके लिए एक वर्ष के बाद पुनः मैं यहाँ पर आया हूँ। स्टेडियम का लोकार्पण यहाँ के नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण करते हुए महाविद्यालय की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी हम योगदान दे पाएंगे इसके लिए आश्वस्त करने के लिए मैं महाविद्यालय के इस प्रांगण में आज आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। भाइयों बहनों डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को दे रही है और इसीलिए हर महीने किसी एक कार्यक्रम को लेकर के डबल इंजन की सरकार आती है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है और जो 17 सितंबर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के कल 25 सितंबर की पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 15 दिन का ये जो कार्यक्रम है इस सेवा पखवाड़े के क्रम में आज दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण का कार्यक्रम भी है और आज यहाँ पर मुझे 700 ऐसे दिव्यांग जन से संबंधित उपकरणों को वितरण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है जिसमें 100 मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल है, 50 ट्राइसाइकिल है, 50 व्हील चेयर है, 200 स्मार्ट केन है, 100 कान की मशीन है, 50 एमआर किट है, 50 लेप्रोसी किट है, 100 विभिन्न प्रकार के मृदा पैर कैलिपर्स आदि दिव्यांग जन में आज यहाँ पर वितरित किए गए। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और उन जैसे महापुरुषों की जिनकी सोच देश के बारे में थी, जिनकी सोच गांव गरीब किसान नौजवान महिलाएं और समाज के प्रत्येक नागरिक के बारे में थी, उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन जिया। और भाइयों बहनों महंत अवैद्यनाथ महाविद्यालय एक ऐसे स्थल पर है जहां पर 5 बार जहां से सांसद के रूप विधायक के रूप में वो जो महंत अवैद्यनाथ जी ने यहाँ की जनता जनार्दन का की सेवा की, उनका मार्गदर्शन किया और 4 बार यहाँ की जनता जनार्दन ने उन्हें सांसद के रूप में चुन करके निरंतर उनका आशीर्वाद देती रही। ये महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है और इसलिए शिक्षा ही नहीं
बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें शिक्षा के साथ साथ उन तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। खेल आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक नया हिस्सा है। वैश्विक मंच पर देश की सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है हमारा खिलाड़ी। नेशनल मंच पर प्रदेश के सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है हमारा खिलाड़ी और इसीलिए प्रदेश की सरकार ने तय किया कि हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो, खेलकूद की सुविधाएं बढ़े, स्पोर्ट्स हॉस्टल बने, अच्छे कोचेज को हम उसके साथ जोड़े और राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में खिलाड़ियों के योगदान को भी हम इसके साथ जोड़ सके। इस कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वयं जंगल कोड़िया के सरसुलपुर चकिया गांव में आपके बीच में आया हूं, जहां पर इस महाविद्यालय में शारदीय नवरात्रि की पहली तिथि आज जगजननी मां भगवती की उपासना का क्रम शुरू होता है और मां दुर्गा के जो नौ रूपों की पूजा होती है, पहला रूप शैलपुत्री के रूप में जगजननी मां भगवती की पूजा प्रत्येक सनातन हिंदू धर्मावलंबी करेगा और इस स्थितियों में अपने सामर्थ्य और अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छा स्टेडियम भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए कैंकेरगंज विधानसभा के सभी भाइयों बहनों को, जंगल कोड़िया विकास खंड से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को और इस महाविद्यालय से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। इसका हमें लाभ भी लेना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रैक बनाया गया है उसकी हाल बनाया गया है, टेबल टर्न टेबल टेनिस के लिए भी जो प्रेक्षा गृह बनाया गया है, अन्य आउटडोर हो या इंडोर गेम्स, इन सब के लिए उस प्रकार का मंच दिया गया है। मैं उच्च शिक्षा विभाग से कहूंगा कि उस प्रकार के कोचेज और यहाँ से जुड़े बच्चों में उसकी अभिरुचि पैदा हो और अच्छा होना चाहिए कि विधानसभा स्तर पर जो विधायक खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है उसका फाइनल, अगर यहाँ पर विधानसभा स्तर का फाइनल के कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो, विभिन्न गांव न्याय पंचायत और फिर विकास खंड स्तर और नगर पंचायत स्तर की जो टीमें निकलेंगी उनकी परस्पर प्रतिस्पर्धा का कार्यक्रम यहाँ पर हो तो अच्छा होगा, जिससे खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आज भारत दुनिया के मंच पर अपनी एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, हमें नए भारत के साथ अपने आप को ले जाना पड़ेगा और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए ही हम अपने युवाओं को पूरी तरीके से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर हम लोग स्मार्टफोन भी वितरित किए हैं दिव्यांग जनों को। स्मार्टफोन के बच्चे बीए के हैं, बीएससी के हैं, एमए बीकॉम के हैं और अन्य तमाम टेक्निकल कोर्सेज के साथ वे बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको स्मार्टफोन के साथ जोड़ने का काम हुआ है। राज्य सरकार ने तय किया है कि राज्य के अंदर हम लोग प्रदेश के सभी युवाओं को जो स्नातक और परास्नातक की पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देने का काम करेंगे और 2 करोड़ युवाओं को वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन देने के कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। ये स्मार्ट युवा आज की आवश्यकता है। अभ्युदय कोचिंग की सुविधा हम लोग यहीं पर उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य भी कर रहे हैं। अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को मेडिकल की हो या इंजीनियरिंग की, यूपीएससी की तैयारी हो या फिर एनडीए या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए
उसे फिजिकली भी और वर्चुअली भी इस प्रकार की सुविधा हमें उपलब्ध करवाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और मैं महाविद्यालय के प्राचार्य जी से भी कहूंगा, कार्य होना चाहिए कि कम से कम अगर महाविद्यालय के समय के बाद आसपास के क्षेत्र के बच्चों के लिए हम लोग यहाँ पर फिजिकली और वर्चुअली अभ्युदय कोचिंग की क्लासेस भी अपने तो प्रारंभ करा सके तो हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यदि बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड ईयर के बच्चे यहाँ पर होंगे, अभी से तैयारी करेंगे थर्ड ईयर में जाने पर, फाइनल ईयर में जाने पर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जब ये फील्ड में आगे बढ़ेंगे तो आसानी से यहाँ पर जैसे ही पाठ्यक्रम इनका समाप्त होगा तो पाठ्यक्रम संपन्न होने के साथ ही डिग्री मिलने के साथ ही इनका कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी नौकरी में या किसी न किसी क्षेत्र में इनका समायोजन होगा। और इसलिए इसके लिए कैरियर काउंसलिंग का भी एक प्लेसमेंट का सेल भी महाविद्यालय स्तर पर स्थापित करके उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इस समय बदल चुका है, हमें समय के अनुरूप चलना होगा। और इसके लिए जो यहाँ पर विकास खंड स्तर पर मुझे याद है कि नाग पंचमी के अवसर पर यहाँ कुश्ती होती है, जगत तोड़िया में बहुत अच्छी कुश्ती होती है, तो नाग पंचमी के अवसर पर जो कुश्ती की प्रतियोगिता हो उसको महाविद्यालय ऑर्गेनाइज कराए और महाविद्यालय के स्तर पर लोकल पहलवानों को गांव-गांव में न्याय पंचायत स्तर पर 3 दिन का कार्यक्रम चले, यहाँ की मैट का उपयोग करें और महाविद्यालय के स्तर पर इस प्रतियोगिता को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो। यहाँ के ब्लॉक प्रमुख, पूर्व प्रमुख, जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेकर के अगर एक कार्यक्रम आगे बढ़ाएगा तो खेल कूद की प्रतियोगिताओं के साथ आम जनता जुड़ाव भी महाविद्यालय के साथ होगा। महाविद्यालय के रसूलपुर चकिया गांव ने यहाँ पे लगभग 10 एकड़ खेती की, 10 एकड़ जमीन की। मैं रसूलपुर चकिया के सभी ग्रामवासियों का, वहाँ के ग्राम प्रधान का हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी ग्राम पंचायत में इतना अच्छा महाविद्यालय निर्माण करने के लिए और बच्चों के भविष्य को बनाए रखने के लिए इतना अच्छा केंद्र यहाँ पर दिया है। और एक महाविद्यालय यहाँ पर आज इस क्षेत्र के बच्चों को उत्तम शिक्षा, खेलकूद की प्रतियोगिताओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए उत्तम मंच प्रदान कर रहा है। आज हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप अपने आप को ढालना होगा और उसके अनुरूप महाविद्यालय स्तर पर भी वह प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़नी चाहिए। हमें नए दौर के साथ अपने आप को ढालना पड़ेगा, अपने महाविद्यालय में विद्यालयों में जो हमारा युवा है उस युवा को समय के अनुरूप आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा और जिस भी फील्ड में उसकी रुचि है उसके अनुरूप वातावरण उस प्रकार के कार्यक्रमों को ला करके उसके लिए एक नया मंच देना पड़ेगा। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, पहली बार लग रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर एक तरफ सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थिति है तो देश और दुनिया का हर निवेशक आज उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए इच्छुक दिखाई देता है। ये निवेश हमारे लिए प्रदेश के अंदर ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार का सृजन और नौजवानों के उज्जवल भविष्य का भी एक माध्यम बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आज से 8 साल पहले 7 साल पहले क्या स्थिति थी, एक किराने से जो उद्योग थे वे भी बंद हो रहे थे, लेकिन विगत 8 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज गोरखपुर में सायकाल आप देखेंगे फर्टिलाइजर की लाइट जगमगाती हुई आपको दिखाई देती होगी और गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना नए भविष्य को हमारे युवाओं का ध्यान आकर्षित करता है। एक उत्तम स्वास्थ्य का एक केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बन चुका है। जंगल तोड़िया से लेकर के सहजनवा के बीच बना बाईपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक नया मॉडल है। गोरखपुर महानगर से लेकर के सुनामी तक 4 लेन की बन रही है सड़क, 6 लेन में बदल रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक नया मॉडल दे रहा है। गांव गांव की सड़कें, मुझे याद है
उस समय देखता था सड़कें नहीं थी, गांव गांव में कच्ची सड़कें थी, बरसात के समय जीप नहीं चल पाती थी, गाड़ी नहीं चल पाती थी, ट्रैक्टर से खिंचवाना पड़ता था। आज मैं देख रहा था गांव गांव में टू लेन की सड़कें बन रही है, पक्की सड़कें बन रही है, आवागमन आसान हुआ है, लोगों के लिए और भी सुविधाजनक स्थिति बनी है, अच्छे केंद्र विकसित हो रहे हैं। ये सभी पूरे प्रदेश के अंदर विकास की एक नई कहानी को कहता है। जैसे गोरखपुर में रामगढ़ तक आज विकास के एक नया मॉडल के रूप में विकसित हो रहा है। हमारे आसपास के ताल है अमृत सरोवर की एक नई परिकल्पना प्रधानमंत्री जी ने की, जिला पंचायत के माध्यम से, क्षेत्र पंचायत के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से मनरेगा के अतिरिक्त धनराशि लेकर के, अन्य धनराशि को सीएसआर से भी मान करके हमें रामगढ़ ताल की तर्ज पर आपको इस क्षेत्र में इन तालाबों के विकास और जल संरक्षण के नए केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। ये तालाब बनेंगे तो जैसे रामगढ़ ताल में रवि किशन जी अपनी फिल्म की टीम को लेकर के वहां पे शूटिंग करवाते हैं, ऐसे ही फतेह बहादुर जी भी और ब्रजेश यादव भी यहाँ पर फिल्म की टीम लेकर के स्वयं शूटिंग करते हुए दिखाई देंगे और हम लोगों को भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा। कला का सम्मान होना चाहिए, उसका प्रोत्साहन होना चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ता है ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा गाते हैं, मंच नहीं मिल पाता। रवि किशन तो मुंबई भाग रहे होंगे, पिता ने पिता होगा पढ़ाई करने के लिए बोला होगा, पिटाई की होगी मुंबई भाग गए और बाद में शूटिंग करते करते भोजपुरी के सुपर स्टार बन गए। देखिए विश्व लेने की जो आदत होती है तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है और उन्होंने इस क्षेत्र में रुचि थी, पढ़ाई में तो कमी रुचि रही होगी और इसलिए फिल्मों में रुचि थी तो आज वह भोजपुरी के सुपर स्टार हम करके छा गए। भोजपुरी का मैं इसीलिए प्रारंभ में पूछा था आप लोगों से कि कितने लोगों ने भोजपुरी इस बार की फिल्म देखी है और मुझे लगता है कि आप में से सभी लोगों ने उनकी फिल्म देखी है। फिल्म में कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं, अच्छे लगते हैं, इसीलिए रवि किशन की इन फिल्मों को देखने का अवसर आपको मिला। रवि किशन जी ऐसे फिल्मों को प्रोत्साहित करने का कार्य आपके गांव में अमृत सरोवर के तट पर भी आपके साथ कर सकते हैं, हो सकते आप अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखें। आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, 4 अक्टूबर को विजयादशमी भी है और त्योहारों का मतलब स्वच्छता के साथ जोड़ना चाहिए। याद रखना माँ भगवती की कृपा तभी होगी, माँ भगवती की अनुकंपा हम पर तभी होती है, आदि शक्ति भी है, आदि दुर्गा के रूप में हम उसकी पूजा करते हैं, महाकाली महा सरस्वती और महालक्ष्मी के रूप में भी हम उसकी पूजा अनुष्ठान करते हैं। उसकी कृपा तभी होगी जब स्वच्छता होगी। अपने गांव को साफ सुथरा रखना, गंदगी नहीं होनी चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, खुले में शौच नहीं होना चाहिए, नालियां साफ सुथरी होनी चाहिए, गांव के लोगों को सामूहिक रूप से श्रमदान के माध्यम से साप्ताहिक अभियान का क्रम बनाना चाहिए। गांव गांव में स्वच्छता होगी तो बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी व्यक्ति स्वस्थ होगा, तो जो पैसा बीमारी में खर्च होता है वह पैसा आपका बीमारी खर्च न होकर के विकास पे खर्च होगा, लोगों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में खर्च होगा। आज गांव गांव में एलईडी स्ट्रीट लाइट दिखाई दे रही है, इसलिए जिससे गांव अच्छा लगे, नगर अच्छा लगे। और तभी जब हम इस माह में स्वच्छता के कार्यक्रम को विशेष प्राथमिकता के साथ देंगे तभी तो इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी का भी समाधान हुआ है। अगर वही गंदगी होती तो मस्तिष्क ज्वर से हजारों मौतें होती थी बीआरडी मेडिकल कॉलेज और आसपास के जनपदों में, आज मौत जीरो पे पहुंच गई है। और इसलिए आप सभी गांव गांव में साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, सभी लोग हाथ कर उठा करके मुझे बताएंगे नवरात्रि में गांव गांव में स्वच्छता का अभियान चलाएंगे,
सभी छात्र छात्राएं भी और गांव के आए हुए लोग भी, हर गांव में स्वच्छता का अभियान चलना चाहिए और फिर पर्व शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार भी मनाया जाना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा भी हो, रामलीलाओं का मंचन भी हो, शानदार तरीके से अपनी कला को और अपनी स्मिता को संरक्षित करते हुए में आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तभी विजय उत्सव जैसे पर्वों का आनंद हम सबको प्राप्त होता है। मैं एक बार फिर से शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूँ, विजयादशमी की अग्रिम शुभकामनाएं आप सबको देता हूँ। माँ भगवती से, प्रभु श्री राम से ही प्रार्थना करता हूँ कि आपको शक्ति दे, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करे, आपके व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में मंगल ही मंगलमय हो, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से महाविद्यालय के इस नवनिर्मित स्टेडियम और प्रेक्षागृह के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर महाविद्यालय समेत इस पूरे कैंपियरगंज विधानसभा क्षेत्र और गोरखपुर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र का पहला स्टेडियम है, गोरखपुर ग्रामीण क्षेत्र के सभी नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूँ। धन्यवाद।